आचार्य जी के यहां कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जाकर के मैंने स्वयं देखा कैसे गाय की देसी नस्ल की ब्रीड को उन्नत नस्ल में बदला जा सकता है प्राकृतिक पद्धति से ही, कैसे खेती विपरीत परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से हम खेती को भी कैसे बचा सकते हैं, यह भी मैंने अपनी आंखों के सामने वहां जाकर के देखा है। और उसके बाद जब मैं स्वयं देखा हूं तब मैंने अपने कृषि मंत्री और अन्य लोगों को यहाँ के अधिकारियों से भी कहा, मैंने कहा भाई अब आप लोग एक बार फुर्सत निकाल करके होकर के आओ, देखो, पहले देखो और फिर औरों को दिखाओ, तो मुझे लगता है उसका लाभ होगा। और आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,00,000 हेक्टेयर एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई है, बुंदेलखंड के 7 जनपदों में और गंगा जी के किनारे हमारे जो 27 जनपद हैं, इन सभी जनपदों में इसके प्रति व्यापक जन जागरण का एक कार्यक्रम लोगों ने चला करके इस अभियान के साथ जुड़े हैं, इसके परिणाम अच्छे आएंगे, बशर्ते हम सब अपने मिशन से पीछे न हट करके इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएं।